हाय फ्रेंड्स, ये हाथ में प्रसाद देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन सा प्रसाद बना रही हूँ। फ्रेंड्स, आज हम कड़ा प्रसाद बना रहे हैं जो गुरुद्वारे में मिलता है और ये सभी का फेवरेट होता है और बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में। आज हम इसे घर पर बनाएंगे, गुरुद्वारे जैसा तो नहीं बनेगा क्योंकि वो प्रसाद होता है, उस पावन जगह का वो टेस्ट होता है उसके अंदर। आज हम इसे घर पे बनाएंगे, पर कभी कभी खाने का मन करता है तो हम इसे घर पे भी बना सकते हैं। ये देखिए, इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया बना है और बहुत ही आसान है इसे बनाना। इसे हम आटे का हलवा भी बोल सकते हैं, पर आटे के हलवे में हम ड्राई फ्रूट्स, इलायची सब डालते हैं। कड़ा प्रसाद में सिर्फ आटा, घी, पानी और शक्कर होता है। ये चार चीज़ों से ही ये एकदम स्वादिष्ट प्रसाद बनता है। ये देखिए, ये यहाँ पे मैं इसका टेक्सचर बता रही हूँ आपको, बहुत अच्छा बना है ये। यहाँ पे एक कटोरी घी, एक कटोरी शक्कर, एक कटोरी आटा और एक कटोरी मैंने पानी लिया है। आप कोई भी मेजरमेंट से ले सकते हैं, सिर्फ हमें एक 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 लेना है, चारों चीज़ें एक एक करके लेनी है। यहाँ पे अब मैं पैन में घी डाल दूंगी। फ्रेंड्स, वैसे तो ये प्रसाद कढ़ाई में बनाया जाता है, गुरुद्वारे में ये कढ़ाई बहुत बड़ी होती है, इसीलिए उसे कड़ा बोलते हैं और ऐसे हिलाते रहते हैं उसे, बहुत देर तक आटे को भूनते हैं, उसकी खुशबू ही कुछ अलग होती है। ये यहाँ पे अब मैंने पैन में घी और आटा मिक्स कर दिया है। आटे को हमें बहुत ही स्लो फ्लेम के ऊपर भूनते रहना है जब तक ये सुनहरा से थोड़ा सा डार्क कलर ना हो जाए। फ्रेंड्स, अगर ये सुनहरा रहेगा तो ये प्रसाद वाइट वाइट दिखेगा और कड़ा प्रसाद जैसा टेक्सचर नहीं आएगा। ये देखिए, ये यहाँ पे थोड़ा भुन गया है और कलर चेंज हो गया है, थोड़े बबल्स भी आने लग गए हैं। फ्रेंड्स, मैंने ऐसे कहीं सुना था कि ये प्रसाद बनाते वक्त एंचेंटिंग करते हैं, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु ऐसे 5 बार, पर अच्छा है भगवान का नाम लेके जब ये प्रसाद बनाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा बनेगा। ये देखिए, यहाँ पे ये पूरा टेक्सचर अलग हो गया है, भुन गया है, एकदम ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर हम शक्कर डाल देंगे और शक्कर डालते से ही इसके अंदर पानी भी डाल देना है। पानी और शक्कर आपको साथ में हिलाते रहना है, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ सकती है, और अगर एक बार गुठलियाँ पड़ गई तो फिर वो गुठलियाँ इसमें टूटती नहीं है जल्दी, तो इसके लिए इसे अच्छे से आप हिलाते रहें जब तक ये पैन घी साइड्स छोड़ने ना लग जाए। ये देखिए, ये यहाँ पे हिला रही हूँ मैं और पैन ने अपना घी छोड़ना चालू कर दिया है। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, हार्डली इसमें 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे टेक्सचर बता रही हूँ, ये ऐसा टेक्सचर होना चाहिए। अब ये सीख गया, एक बार जब ये पानी आटा सोख लेता है तो गुठलियाँ नहीं पड़ती है। अब आँच बंद करके मैंने इसे नीचे उतार दिया है और इसे मैं एक बोल में ले लूँगी और हमारा कड़ा प्रसाद रेडी है। और मैंने इसे भोग भी लगा दिया है और हम अब इसे प्रसाद के जैसे ही सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इसीलिए हाथ में सर्व किया है क्योंकि वो हमें फीलिंग आनी चाहिए कड़ा प्रसाद की। ये देखिए, यहाँ पे टेक्सचर बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा बना है, आप इसे ज़रूर बनाएं और सबको खिलाएं। अब मैं यहाँ पे ये सर्व कर दूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर टैप करें जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिले। मिलती हूँ कुछ न्यू रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी ये।